आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जस्टिस रंजन गोगोई की आज हम बात करेंगे दोस्तों। 17 नवंबर 2019 यानी कि कुछ ही दिनों में, मैं ये लेक्चर 13 नवंबर को रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो 4 दिनों में ये रिटायर हो जाएंगे। बड़ा ही क्रांतिकारी कार्यकाल रहा है दोस्तों इनका। जब से सुप्रीम कोर्ट के जज हुए हैं, बहुत आइकॉनिक जजमेंट इन्होंने पास किए हैं। अयोध्या का जो जजमेंट था दोस्तों, कितने सालों से पेंडिंग था, आज़ाद भारत के बाद सबसे पहला केस जो अयोध्या डिस्प्यूट पूरा चल रहा था, उसका जजमेंट आया दोस्तों। आपको पता ही, अभी बीते दिनों उसका जजमेंट आया और बहुत ही ज़बरदस्त ऐतिहासिक जजमेंट था। तो उसमें जस्टिस रंजन गोगोई थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है इस समय, और भारत के 46th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, 46वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। इसके बाद जस्टिस रंजन बोबडे बनेंगे। सीनियोरिटी के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का चुनाव होता है और उसके बाद जस्टिस रमन्ना बनेंगे। तो हम जस्टिस रंजन गोगोई की बात करेंगे। काफ़ी कंट्रोवर्सी भी रही है, इनका जो कार्यकाल है थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल भी रहा है। बड़े ही शांत रहते हैं दोस्तों, फुटबॉल प्लेयर रह चुके हैं, चेस हमेशा खेलते रहते हैं, चेस खेलने के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं, और भैया नॉर्थ ईस्ट से आने वाले ये पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, तो बहुत ही शांत रहते हैं। लेकिन वकील और बाकी जजेस बोलते हैं कि जब ये कोर्ट में आते हैं ना, इनका रंग ही बदल जाता है। एक शेर की तरह एकदम हर चीज को बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज करते हैं। ऑर्गेनाइज इनको बहुत, मतलब सिमेट्री इनको बहुत पसंद है। इनका जो काम होता है काफी ऑर्गेनाइज्ड होता है, ठीक है ना, और हर एक पक्ष को सुनते हैं और उसके बाद बहुत ही शांत संयम से अपना जजमेंट देते हैं। तो जस्टिस रंजन गोगोई की बात करेंगे, इनके कार्यकाल की बात करेंगे, थोड़ा बहुत जो पेंडिंग केसेस है उनको भी देखेंगे, बहुत सारी चीजें हैं जानने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टडी आईक्यू के टैबलेट और पेन ड्राइव कोर्सेज हर एग्जाम्स के लिए आते हैं। आप इन नंबर्स पे कॉल करिए, वेबसाइट विजिट करिए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। सिर अंडरस्कोर रीकनेक्ट मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से मेरी फेसबुक प्रोफाइल है, दोनों ही जगह पर चक्र पीडीएफ ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों ये आप हायरार्की देख लीजिए, इंडियन जुडिशरी की हायरार्की, ठीक है। आपको पता ही है सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आता है, ठीक है। इसमें चीफ जस्टिस और 25 अदर जजेस होते हैं, हालांकि इसको 31 तक बढ़ाने की मांग की गई है और अभी शायद ये लागू भी कर दिया गया है। 2008 में इसकी मांग की गई थी, मतलब 2008 में कि जजेस बढ़ाओ, क्योंकि भारत में पेंडिंग केसेस बहुत है। अभी मैं पेंडिंग केसेस की भी बात करूंगा, हैरान हो जाएंगे दोस्तों आप, 2.5 करोड़ से ज्यादा भारत में पेंडिंग केसेस हैं, समझ रहे हैं ना। और इसमें कितने केसेस, तो 40% केसेस 10-10 साल पुराने हैं। तो दोस्तों ये पूरा एक तरीके से क्लॉगिंग हो गई है, जाम हो गया इंडियन जुडिशरी। और इसका सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि एक तो जो जजेस की उम्र है वो कम है, अमेरिका में जजेस की कोई उम्र नहीं होती है, कोई रिटायरमेंट, वो अगर 90 साल तक भी उनका दिमाग ठीक से काम कर रहा है तो 90 साल तक भी वो जज रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भारत में एक उम्र, एक तय सीमा होती है। तो यहां पर रंजन गोगोई ने यह भी बोला है कि सबसे पहले तो जजेस की संख्या बढ़ाएं, 31 करें, दूसरा जो वैकेंसी खाली पड़ी हुई है, प्रधानमंत्री मोदी जी को 3 लेटर लिखे थे उन्होंने, जो वैकेंसीज खाली पड़ी हुई है उनको भी भरें, ठीक है। 37% जो कोर्ट्स की वैकेंसी है हाई कोर्ट में ऑल ओवर इंडिया वो खाली है, अभी तक वो भी नहीं भरी गई है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जजेस की उम्र बढ़ाएं, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा होगा, इससे निवारण होगा जो पेंडिंग केसेस हैं। जस्टिस रंजन गोगोई पेंडिंग केसेस को लेके हमेशा, मतलब काफी उनका ध्यान रहता है कि जल्द से जल्द जितने भी पेंडिंग केसेस हैं उनको सुलझाया जाए, इसीलिए तो इनको क्रांतिकारी जज बोला जाता है। जब ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन के आए थे तो इनसे बहुत उम्मीदें थी, ठीक है, और काफी हद तक ये उम्मीदों के पे खड़े भी उतरे कि जो पेंडिंग केसेस है उनका कुछ होगा, क्योंकि बहुत टाइम से कहते आ रहे हैं कि जल्दी से कुछ ऐसा सिस्टम बनाओ, जुडिशियल रिफॉर्म लेके आओ कि जो पेंडिंग केसेस हैं वो सुलझे। अरे भैया 2018 में मई में तो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली थी, याद है कि नहीं, 4 जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, दीपक मिश्रा जो काफी कॉन्ट्रोवर्शियल रहे थे और लगभग लगभग उनका इम्पीचमेंट हो ही गया था, पहले जज होते वो सुप्रीम कोर्ट के जिनको इम्पीच किया जाता, ठीक है ना, लगभग लगभग उनका इम्पीचमेंट हो गया था। तो वो दीपक मिश्रा के जो इससे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, जस्टिस दीपक मिश्रा के कार्यकाल से बहुत ज्यादा सहमत नहीं थे, क्यों, क्योंकि जिस तरीके से केसेस का निवारण हो रहा था वो सही नहीं था, तो उसी लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अभी हम उसकी भी बात करेंगे। तो भारत में पेंडिंग केसेस बहुत हैं, अब उसको कैसे सॉल्व करना है, कैसे उसका निवारण होना चाहिए, वो तो सरकार सोचेगी और सुप्रीम कोर्ट सोचेगा, देखेंगे आगे क्या होता है। फिलहाल सबसे ऊपर जो है वो सुप्रीम कोर्ट है, उसके बाद हाई कोर्ट आता है, आपको पता ही है देश में 24 हाई कोर्ट है, उसके बाद हाई कोर्ट आता है, हाई कोर्ट का डिवीजन है, ठीक है। हर डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे सेशंस कोर्ट होंगे और मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स होंगे, आईओपीसी, ये सारी चीजें आपको मालूम होगी,
ठीक है, हो सकता है बहुत लोगों को नहीं भी मालूम हो। उसके बाद दोस्तों डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट का डिवीजन है, सब ऑर्डिनेट जजेस कोर्ट, फिर प्रोविंशियल स्मॉल, ये सिविल होता है और क्रिमिनल होता है। मतलब जो डिस्ट्रिक्ट जो सेशन कोर्ट्स होते हैं, ठीक है, सिविल और क्रिमिनल कोर्ट, बेसिकली ये दो में डिवीजन होता है। सब ऑर्डिनेट जजेस जो होते हैं उसका भी मुंसिफ कोर्ट्स होते हैं, न्याय पंचायत होती है, ये रूरल लेवल में गांव के स्तर पर होता है ये। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं क्रिमिनल कोर्ट की, तो अगेन सब ऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट कोर्ट और पंचायत अदालत, ठीक है। तो ये तो रूरल की बात हो गई, गांव की बात हो गई। अच्छा, अर्बन्स का क्या, मेट्रोपॉलिटन, बड़े बड़े शहर में क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट, सिविल सेशन कोर्ट और प्रेसिडेंसी स्मॉल कॉजेस कोर्ट, और भी डिवीजन होता है, लेकिन ये मेन डिवीजन है। ये इंडियन जुडिशियल हायरार्की है। इतने सारे कोर्ट्स होने के बावजूद हमारे केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं रंजन गोगोई की, जस्टिस रंजन गोगोई की बात करें तो इनका जन्म 18 नवंबर 1954 में दिब्रूगढ़, आसाम में है दिब्रूगढ़, दिब्रूगढ़ में हुआ था। नॉर्थ ईस्ट से आने वाले ये पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, बहुत ज्यादा गर्व की बात है ये। इनके पिताजी केशव चंद्र गोगोई जनता पार्टी के काफी बड़े लीडर थे, बाद में कांग्रेस में भी आ गए, और जब रंजन गोगोई को चीफ जस्टिस बनाया गया तो इनके पिताजी पे और रंजन गोगोई पे काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई कि इनके पिताजी क्योंकि कांग्रेस के थे और इसलिए पॉलिटिकल फैमिली थी, काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, इसलिए इनको चीफ जस्टिस बनाया जा रहा है। लेकिन किसी ने भी ये उनका शायद रिकॉर्ड नहीं देखा कि रंजन गोगोई का रिकॉर्ड कितना बेहतरीन है, बहुत ही ज़बरदस्त इंटेलेक्चुअल हैं रंजन गोगोई। केशव चंद्र गोगोई, एक किस्सा मैं आपको बताता हूँ कि एक बार केशव चंद्र गोगोई से पूछा कि आपका बेटा भी, एक आदमी ने पूछा, एक पॉलिटिशियन था, उन्होंने पूछा कि आपका बेटा भी पॉलिटिक्स में ही आएगा क्योंकि आप भी तो इतने बड़े पॉलिटिशियन हैं। तो केशव चंद्र गोगोई ने बोला, मेरा बेटा पॉलिटिक्स में नहीं आएगा, मेरा बेटा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेगा, और पिता की यह बात लग गई। वैसे आपको बता दूं कि रंजन गोगोई ने यूपीएससी भी क्रैक किया हुआ है, अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है यूपीएससी कौन क्रैक करता, बड़ी मेहनत लगती है रखने के लिए, इन्होंने यूपीएससी का एग्जाम दिया। लेकिन जब यूपीएससी क्रैक कर लिया तो अपने पिताजी को इन्होंने समझाया कि मुझे लॉयर बनना है, मुझे एडवोकेट बनना है, मेरा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट वही है। तो इनके पिताजी मान गए, और एक बार जब ये बार में एडमिट हुए गुवाहाटी हाईकोर्ट में, फिर इनको जज बनाया गया, उसके बाद फिर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में, और फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने। तो बहुत ही गजब इनका शानदार करियर रहा है, इनकी बहस करने की क्षमता कमाल की रही है। स्कूल कॉलेज के टाइम से ही ये बहुत बढ़िया बहस करते हैं, वैसे फुटबॉल बहुत अच्छा खेलते थे, ठीक है, और चेस खेलने का रंजन गोगोई को बहुत ज्यादा शौक है, ठीक है। तो ये चीज है। इनके पिताजी, जैसा कि मैंने बताया कि पहले तो जनता पार्टी में थे, उसके बाद फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस में आए, कैबिनेट मिनिस्टर रहे, लेकिन आसाम के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं 66 दिन तक, आसाम के चीफ मिनिस्टर थे 1982 में। अब इसी दौरान दोस्तों आपको याद होगा एनआरसी का बहुत ज्यादा इशू चल रहा था, ठीक है, नेली मसाकर पे मेरा एक पूरा सेपरेट वीडियो आप देखिएगा, ठीक है। तो इसी दौरान एनआरसी पे पूरा इशू चल रहा था, किस्मत की बात देखिए, इसी दौरान इनके पिताजी केशव चंद्र जो थे वो चीफ मिनिस्टर थे, और एनआरसी की सुनवाई रंजन गोगोई यानी कि इनके बेटे ने ही की। क्या बात है, ये किस्मत का ही आप खेल समझ सकते हैं। तो यहां पे दोस्तों इनके पिताजी अच्छे खासे बड़े पॉलिटिशियन थे। शुरुआती जो पढ़ाई हुई है रंजन गोगोई की वो देश के वन ऑफ द बेस्ट स्कूल डॉन बॉस्को, जो कि एक बेहतरीन स्कूल माना जाता है, ठीक है, इतनी जल्दी एडमिशन भी नहीं होता है यहाँ पे, डॉन बॉस्को जो दिब्रूगढ़ में, डॉन बॉस्को की ब्रांच है, वहां पे इनकी पढ़ाई हुई। 12th तक इन्होंने पढ़ाई दिब्रूगढ़ में की, उसके बाद ये दिल्ली आ गए, दिल्ली के सबसे बेहतरीन कॉलेज सेंट स्टीफन से इन्होंने पढ़ाई की, वहां से इन्होंने बीए किया, और उसके बाद इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही लॉ की डिग्री ली। अब एक बार लॉ की डिग्री ली तो आप क्या करेंगे, आपको सबसे पहले तो एग्जाम देना पड़ता है बार काउंसिल का, ठीक है भैया, ऐसे कोई नहीं है कि आपके पास लॉ की डिग्री आ गई और आप चले गए हाई कोर्ट में, आपने केस ले लिया, केस लड़ लिया, ऐसा इतना आसान नहीं होता है। कोर्ट में केस लड़ने के लिए आपको बार में एडमिट होना पड़ेगा, इसका बकायदा एग्जाम होता है और बड़ा टफ एग्जाम होता है, काफी आपको नॉलेज होनी चाहिए कानून की, तभी आप ऐसा केस लड़ सकते हैं, वरना नहीं लड़ सकते। तो रंजन गोगोई जो थे 1978 में बार में एनरोल होते हैं, सिर्फ और सिर्फ 24 साल के थे, और गुवाहाटी हाई कोर्ट में ही ये प्रैक्टिस करते हैं। आसाम का जो मेन बेंच है वो गुवाहाटी में, आपको पता ही है, वैसे आसाम की कैपिटल का क्या है, दिसपुर है, ठीक है ना। तो हम यहां पे देख रहे हैं कि 1978 में ये बार में एनरोल हुए, गुवाहाटी हाई कोर्ट में प्रैक्टिस किया, और उसके बाद 2001 में उनको वहीं पे ही परमानेंट जज बना दिया गया, ठीक है। जितने भी लॉयर्स थे जो गोगोई के साथ काम करते थे वो बोलते थे कि कमाल के इंसान है ये, ठीक है, बहुत ही पोलाइट, बहुत ही विनम्र, लेकिन जब बहस करते हैं, जब किसी का केस लड़ते हैं तो बिल्कुल ऑपोजिट, मतलब लगता ही नहीं कि कुछ देर पहले जिस इंसान से हम बात कर रहे थे जो इतना शांत था
वो इस तरीके की बहस कर सकता है, ये कमाल है। इसीलिए शायद देश की सबसे बड़ी पोस्ट इनको मिली, सुप्रीम कोर्ट के जज हुए ये, ठीक है। फिर दोस्तों हम ये देखते हैं कि 2001 में इनको गुवाहाटी हाई कोर्ट का जज बनाया गया, उसके बाद इनको पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का भी जज बनाया गया 9 सितंबर 2010 में, और अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट में 23 अप्रैल 2012 में इनको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया, और 2018 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 46th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बने। इससे पहले दीपक मिश्रा थे, और जैसा कि मैंने बताया कि इनका कार्यकाल काफी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल रहा था, ठीक है। तो अब हम कुछ रंजन गोगोई के आइकॉनिक जजमेंट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों 9 नवंबर 2019 को जो जजमेंट आया, आपको पता ही है अयोध्या पे पूरा जजमेंट था ये। अब इस पे मैंने पूरा लेक्चर किया है, महिपाल सर के भी लेक्चर्स हैं, आप जरूर देखिएगा। इनफैक्ट 4 लेक्चर्स हैं अयोध्या डिस्प्यूट पे, तो आपको सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको पता ही है कि ये 1949 से केस चला आ रहा है, हालांकि ये जो विवाद है ये 500 साल पुराना है, अयोध्या में बाबरी मस्जिद को लेके, कि पहले यहाँ पे मंदिर था और रामलला का मंदिर था, भगवान राम का मंदिर था, इसको तोड़ के पूरा ये मस्जिद बनाया गया। तो ये पूरा मामला 1949 से चला आ रहा है, जब फाइनली ये फैजाबाद कोर्ट में गया, और उसके बाद 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया। तो 2.77 एकड़, वैसे तो पूरी जमीन है 67 एकड़ की, लेकिन 2.77 एकड़, एक एकड़ कितना होता है, एक फुटबॉल फील्ड का आधा, ठीक है। तो यानी कि आप समझ सकते हैं कि फुटबॉल फील्ड से थोड़ा बड़ा आप कर दीजिए तो इसमें पूरा मस्जिद बना हुआ है, तो इतनी पूरी जमीन है। तो ये जो जमीन है, ये जो मस्जिद की जमीन है, 2010 में ये फैसला आया कि 1/3 किसको मिलेगी, ये शिया वक्फ बोर्ड को मिलेगी, 1/3 हिंदू पक्ष, और 1/3 मुस्लिम निर्मोही अखाड़ा को मिलेगी, ठीक है। तो एक तरीके से जो 3 पार्टी थी इस अयोध्या में, अयोध्या डिस्प्यूट में, उनमें ये जमीन जो है वो 1/3 एक तिहाई बांट दी गई। ये तीनों को ही पसंद नहीं आया कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये बिल्कुल भी हम इसको नहीं देखेंगे। और फिर तीनों की तीनों पार्टी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में गई, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला 9 नवंबर को आया, और उस फैसले में एएसआई की रिपोर्ट का हवाला देते हुए ये बोला था, 1000 पन्नों का फैसला है दोस्तों, ठीक है। और जो 2010 में जो वर्डिक्ट आया था वो 4000 पन्नों का था, तो अच्छी बात है 1000 पन्नों पे रिड्यूस हो गया है, ये अच्छा है, पढ़ने के लिए आसानी रहती है। तो यहां पे दोस्तों इसमें यही था कि मंदिर तो बनेगा, और एएसआई की रिपोर्ट का हवाला दिया। एएसआई ने जब 2003 में खुदाई की थी, इलाहाबाद हाईकोर्ट नहीं बोला था, तो उसमें जब खुदाई की थी तो पिलर्स मिले थे, हालांकि उससे यह साबित नहीं हुआ कि मंदिर था, लेकिन जिस तरीके के पिलर्स थे कहीं हद तक ऐसा लग रहा था कि हाँ कुछ तो तोड़ा फोड़ा गया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज है, उसी को ही बेस बना के, उसी को ही आधार बना के सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर 2019 को 5 जजेस की बेंच थे, जिसमें बोबडे भी शामिल थे, जो कि अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, 47th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, रंजन गोगोई भी थे, और 5-0 से ये फैसला आया कि जो मंदिर है मतलब वो बनेगा, और एडिशनल 5 एकड़ जमीन जो है वो शिया वक्फ बोर्ड को दी जाएगी ताकि वो अपनी मस्जिद बना सके या जो भी जिस तरीके से वो यूज करना चाहें। साथ ही साथ ये भी हम देख रहे हैं दोस्तों कि अब एक ट्रस्ट भी बनेगा, 3 महीने के अंदर उस ट्रस्ट को काम करना है, मतलब सरकार को ये देखना है कि 3 महीने के अंदर उस ट्रस्ट को बनाए, और उसके बाद वो ट्रस्ट कैसे मंदिर बनेगा, क्योंकि दोस्तों जो जमीन दी गई है, ठीक है, वो रामलला विराजमान को दी गई है, मतलब भगवान को दी गई है जमीन, ठीक है ना। तो भगवान तो एक मूर्ति है, भगवान को आप महसूस कर सकते हैं, तो उसका कस्टोडियन कौन होगा, रामलला विराजमान का कस्टोडियन कौन होगा, वो एक ट्रस्ट होगा, और उस ट्रस्ट को बनाएगी भारत सरकार, ठीक है। भारत सरकार उस ट्रस्ट को बनाए, 3 महीने में वो ट्रस्ट बने, और उसके बाद मंदिर का काम का निर्माण जो है वो शुरू हो, ठीक है। तो ये ऐतिहासिक जजमेंट था, और रिटायर होते होते रंजन गोगोई ने ये ऐतिहासिक जजमेंट जो है वो सुना दिया। एक्चुअली कुछ भी कहिए, जजेस का यही रहता है कि हम ऐतिहासिक जजमेंट दें, ठीक है। और आप देखेंगे कि ज्यादातर ऐतिहासिक जजमेंट तभी आए हैं जब जजेस रिटायर होने वाले होते हैं, ठीक है। तो ये चीज है। फिर दोस्तों एनआरसी का इशू, एनआरसी पे भी ड्राफ्ट तुरंत बनाओ, ठीक है। आपको पता ही है कि जब 1971 में वॉर हुआ था तो उसमें बहुत सारे रिफ्यूजीज जो है वो भारत में आ गए थे बांग्लादेश से आके, ठीक है। तो अब यहां पे आसाम में बहुत सारे लोग जो है वो बस गए थे। फिर 1977 में जब इलेक्शन होने वाले थे तो बहुत सारे लोगों के नाम आए, ठीक है, जिनके नाम रजिस्टर भी नहीं थे। तो यहां पे लोगों ने बोला इतने सारे लोग कहां से आ गए, एकदम से इतनी पॉपुलेशन कैसे बढ़ गई। तो बाद में पता चला ये शायद सब रिफ्यूजीज हो सकते हैं, ये भारत के सिटीजन नहीं है। तो वहां से एनआरसी का पूरा इशू चला आ रहा है, और 2013 से जो सुनवाई है, जो ड्राफ्ट है, एक के बाद एक ड्राफ्ट जो है वो पब्लिश किए जा रहे हैं, ठीक है। तो उस पे भी जस्टिस रंजन गोगोई, ये पूरा मैटर जो है जस्टिस रंजन गोगोई देख रहे हैं, और हमेशा बोलते रहते हैं कि इसका काम जल्दी से फिनिश करो,
ठीक है ना। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरा इस पे भी पूरा सेपरेट लेक्चर है दोस्तों, एनआरसी इशू। वैसे तो स्टडी आईक्यू ने पूरा अच्छे से कवर किया है, मैंने नेली में सेकर किया, उसमें मैंने पूरा एनआरसी का इशू बहुत अच्छे से समझाया है, आप देख लीजिएगा शुरू से लेकर अंत तक। उसके बाद दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट केस था, गोविंद स्वामी वर्सेज स्टेट ऑफ केरला। गोविंद स्वामी वर्सेज स्टेट ऑफ केरला की अगर बात करें तो 2011 में क्या हुआ था कि 23 साल की एक लड़की थी सौम्या, ठीक है, वो काम करती थी। एक दिन वो एर्नाकुलम पैसेंजर में सवार होकर जा रही थी, लेडीज कंपार्टमेंट में थी। उस लेडी कंपार्टमेंट में एक आदमी था जिसका नाम था गोविंद स्वामी। लड़की को अकेला देख के उसने उसको छेड़ना शुरू कर दिया। उसके बाद उसने ट्रेन, लड़की को जो सौम्या थी उसको ट्रेन से नीचे उतारा और गोविंद स्वामी ने उसका रेप किया, उसका बलात्कार किया और उसको इतनी ज्यादा चोटें आई थी सौम्या को, इतना ब्रूटल था ये इंसिडेंट कि जब उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया उसकी डेथ हो जाती है। तो इस पे जजमेंट दिया था, इसमें जो कोर्ट का जजमेंट ये था कि गोविंद स्वामी को मौत की सजा होगी, ठीक है, गोविंद स्वामी को मौत की सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जस्टिस रंजन गोगोई, सितंबर 2016 में जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस पंत, जस्टिस उदय, ये तीन जजेस की बेंच थी, इन्होंने मौत की सजा को माफ करके उम्र कैद में तब्दील कर दिया। तो बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ था इस चीज के लिए जस्टिस गोगोई का। अब यहां पे दोस्तों एक बहुत ही फेमस इंसिडेंट हुआ था दोस्तों, मुझे याद है बहुत अच्छे से, मारकंडे काटजू। वैसे बड़े ही कंट्रोवर्सी में रहते हैं ये अपने स्टेटमेंट्स को लेके और काफी ज्यादा, मतलब काफी बेबाक इंसान है ये, जो बोलना होता है वो सीधा बोलते हैं, किसी को बुरा लगे चाहे भला। ये भी सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं। मारकंडे काटजू ने क्या किया था, पूरी फेसबुक पे एक पोस्ट डाल दी थी और काफी बुरा भला बोला था, ठीक है। अब इस जो मौत की सजा है उसको उम्र कैद में क्यों तब्दील किया, बहुत लोग इसके गुस्से में थे कि ऐसा क्यों कर दिया, और मार्कंडे काटजू ने भी बहुत लंबा चौड़ा पोस्ट डाल दिया। तो जस्टिस गोगोई ने फिर इनको बुलाया कि इनको भैया इनकी हाजिरी हो, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में आइए और बहस करें फिर हमारे सामने। तो मार्कंडे काटजू आए, बहस की, तो काफी ज्यादा जस्टिस गोगोई और मार्कंडे काटजू में तनातनी हो गई थी। मार्कंडे काटजू ने तो यह तक कह दिया था, क्योंकि जस्टिस गोगोई पूरा एकदम सब कुछ लेके बैठे हुए थे, उनकी तैयारी, जस्टिस गोगोई कुछ भी करते हैं तो उनकी तैयारी बहुत जबरदस्त रहती है, ठीक है, पूरा स्टडी करके बैठते हैं वो, ठीक है। तो यहां पे जस्टिस रंजन गोगोई की पूरी तैयारी थी और उसके बाद मार्कंडे काटजू उसे बोला कि सारे तुम्हारे फेसबुक पे पोस्ट, मतलब ऐसे तो नहीं बोला था, ठीक है, मैं अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूं, तो इशारा यही था, ठीक है। तो बोला कि हमारे पास पूरा फेसबुक पोस्ट की तुम्हारी जो भी तुमने डाला है वो सब कुछ है तुम्हारा, बताओ तुम जस्टिफाई करो ये तुमने क्यों डाला भैया, तुम जो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कैसे खड़े हो गए। तो मार्कंडे काटजू ने बोल दिया कि मुझे धमकाइए मत, आप मुझे धमकाइए नहीं, मैं भी जज, मतलब सुप्रीम कोर्ट का जज रहा हूं, आप ऐसा मत करिए, ये तो तौहीन है। तो जज गोगोई ने भी बोला कि आप भी जरा मर्यादा बना के रखें, ये जो आप कर रहे हैं वो सही नहीं। तो काफी तनातनी हुई थी यहाँ पे मार्कंडे काटजू और जस्टिस गोगोई के बीच में, ठीक है। तो ये चीज है, तो ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट केसेस थे, ठीक है। वैसे और भी बहुत सारे, अमिताभ बच्चन की जो प्रॉपर्टी उसको रीअसेस किया जाए उसमें भी जस्टिस गोगोई थे, ठीक है, कि ये जो इतना ज्यादा आईटीआर भर रहे हैं और ये इतनी प्रॉपर्टी है इसको पूरा रीअसेसमेंट किया जाए, तो उसमें भी जस्टिस रंजन गोगोई थे। फिर आर्बिट्रेशन केस भी था दोस्तों, बहुत सारे ऐसे आइकॉनिक जजमेंट, लेकिन ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट आइकॉनिक जजमेंट हैं जो रंजन गोगोई ने दिए, ठीक है ना। तो ये चीज, और सबसे बड़ा तो अयोध्या, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम कुछ कंट्रोवर्सी की बात कर लेते हैं। जस्टिस गोगोई ने प्रधानमंत्री को तीन लेटर्स लिखे हैं, ठीक है। इसमें पहले लेटर में तो यह था कि आप जजेस की संख्या बढ़ाएं, ठीक है, 25 है उसको 31 करें। देख सकते हैं दोस्तों कि जब से भारत आजाद हुआ है किस तरीके से जजेस की संख्या बढ़ाई गई है। सबसे पहले 8 जजेस थे, ठीक है, जब भारत आजाद हुआ, सुप्रीम कोर्ट फिर पूरा भारत के हाथ में आया, ठीक है। उससे पहले तो आपको पता ही है सुप्रीम कोर्ट क्या, कोई वो सब ब्रिटिश के ही हाथ में था। उसके बाद फिर इसको 11 किया, ठीक है, 1956 में, फिर 1960 तक 14 किया, 1978 तक 18 किया, 1986 26 और अल्टीमेटली 2008 में इसको 31 किया। लेकिन ये 31 2008 में हो गया था, सैंक्शन नहीं हो रहा था, ठीक है। फाइनली अभी शायद मई में ही किया इसको 31 तक, जो ये मतलब स्ट्रेंथ बढ़ाई गई है। तो ये बहुत टाइम से रंजन गोगोई बोले जा रहे हैं कि इसको बढ़ाओ, इससे क्या होगा, ज्यादा जजेस होंगे तो जो केसेस का निवारण है, जो सोल्यूशन है, वो जल्दी जल्दी होगा, हम जल्दी जल्दी जजमेंट जो है वो पास कर पाएंगे। उसके बाद दूसरा लेटर लिखा, दूसरे लेटर में यह था कि एज बढ़ाई जाए, ठीक है, अभी 62 साल है हाई कोर्ट की जो एज है इसको 65 साल करिए, ठीक है, तो जितनी जल्दी हो सके इसकी एज बढ़ाई जाए, जजेस की एज बढ़ाई जाए। उसके बाद यह भी बोला कि 37% जो पद हैं वो खाली हैं, 474 जो पोस्ट हैं वो खाली हैं हाई कोर्ट के, देश में टोटल 24 हाई कोर्ट हैं।
इन पोस्ट पे जजेस को अपॉइंट करिए ताकि फटाफट केसेस सुलझ सकें। तो ये तीनों लेटर लिखे गए। अब कितनों का निवारण हुआ है, कितने पे पॉजिटिव स्टांस आया है सरकार का, वो आप देख ही रहे हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हुई। वैसे एक आपको बता दूं एक और चीज कि सुप्रीम कोर्ट के 11 जजेस ने अपनी संपत्ति जो है वो सार्वजनिक की थी, संपत्ति का ब्यौरा दिया था, उसमें एक रंजन गोगोई भी थे। विश्वास नहीं होगा दोस्तों आपको, रंजन गोगोई इतने, मतलब जैसा कि मैंने आपको करियर इनका बताया कि इतने इंटेलेक्चुअल बंदे और इतना जबरदस्त इनका लीगल करियर, एक भी कार नहीं है इनके पास। जस्टिस रंजन गोगोई के पास, इतने ईमानदार है ये, इनके पास एक भी कार नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों आपको बता दूं कि जस्टिस रंजन गोगोई जो है वो बड़े डिसिप्लिन्ड टाइप के हैं। एक बार एक इंसान ने केस किया था और उसने एंड टाइम पे केस वापस ले लिया, तो जस्टिस रंजन गोगोई ने 5 लाख का जुर्माना ठोक दिया था उस इंसान पे। पहली बार ऐसा हुआ था। क्यों? 800 पन्ने पहले जजेस को पढ़ने पड़े, ठीक है। उसके बाद जब सुनवाई की बारी आई तो वो इंसान गायब, उसने केस वापस ले लिया। तो कोर्ट का जो इतना कीमती वक्त बर्बाद किया है आपने, उसके लिए आपको जुर्माना देना पड़ेगा। और हमेशा जस्टिस रंजन गोगोई इस चीज के पक्ष में रहे हैं, कोर्ट का जो वक्त है वो बहुत कीमती होता है, ये जो टाइम है ये किसी और केस पे जा सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, तो सीधा जुर्माना ठोक दिया था, 5 लाख उस इंसान को चुकाने पड़े। दोस्तों हम बात करते हैं कॉन्ट्रोवर्सीज की, ठीक है। तो जस्टिस रंजन गोगोई के ऊपर पिछले साल एक कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी, और ऐसा पहली बार हुआ था दोस्तों, इनके ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट के चार्जेस लगे थे। एक जूनियर असिस्टेंट थी सुप्रीम कोर्ट में काम करती थी, जो जस्टिस रंजन गोगोई के साथ काम करती थी, उसने जस्टिस रंजन गोगोई के ऊपर बहुत सारे आरोप लगाए, बड़े गंभीर आरोप लगाए कि बड़े इन अप्रोप्रिएट तरीके से मुझे छूने की इन्होंने कोशिश की। जहां मैं जाती थी वहां, मतलब कोशिश करते थे कि जहां रंजन गोगोई होते थे वहीं मेरा ट्रांसफर हो जाए, हमेशा मुझे मैसेज भेजते रहते थे व्हाट्सएप पर, बहुत सारे आरोप लगाए दोस्तों, सेक्सुअल हरेसमेंट के आरोप थे और काफी गंभीर आरोप थे जस्टिस रंजन गोगोई के ऊपर। जस्टिस रंजन गोगोई ने अपने आप को डिफेंड किया, बोला कि ये मेरे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी, साजिश रची जा रही है। एक इंसान का इतना बेहतरीन करियर, तो ये किसी के गले नहीं उतर रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है। उसके बाद केस की जब सुनवाई होनी थी, तो जिसमें जस्टिस रंजन गोगोई शामिल थे, तो अब यहां पे लोगों ने बोला कि यहां पे इल्जाम लगा है जस्टिस रंजन गोगोई के ऊपर और यही अपने केस को देख रहे हैं, तो कहां से इंसाफ मिलेगा, ये इम्पॉसिबल है। उसके बाद दोस्तों एक पूरी कमिटी, एक पैनल बिठाया गया जिसमें जस्टिस बोबडे भी शामिल थे, जो कि अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, बनेंगे। उसके बाद जस्टिस रमन्ना थे, अरविंद मतलब बोबडे के बाद, जस्टिस बोबडे के बाद जस्टिस रमन्ना बनेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और इंदिरा बैनर्जी, तो इसमें एक महिला भी शामिल थी, तो इन तीनों की पैनल थी। उसके बाद फिर एक और कमिटी गठन हुई, लंबा मैटर है दोस्तों। उसके बाद जब ये जो फैसला आया, कमिटी ने जब जांच की, तो जस्टिस रंजन गोगोई को क्लीन चिट मिली, ठीक है। अब यहां पे दोस्तों जो ये फॉर्मर एम्प्लॉय थी जिसने ये आरोप लगाए थे, इसके ऊपर एक और केस चल रहा था, ठीक है, इसके ऊपर एक और केस चल रहा था, हरियाणा में आई थिंक पुलिस में काम करता था, उसने इस फॉर्मर एम्प्लॉय जिसने जस्टिस रंजन गोगोई के ऊपर इल्जाम लगाया था, इसके खिलाफ आरोप यह था कि इसने बोला था कि मेरे रिश्तेदार को सुप्रीम कोर्ट में जॉब लगा देगी ये, और बदले में 50,000 रुपए भी मुझसे लिए थे, जॉब नहीं लगाई, 50,000 रुपए भी चले गए। तो इस फॉर्मर एम्प्लॉय के ऊपर ये केस पहले से ही चल रहा था जिसने जस्टिस रंजन गोगोई के ऊपर इल्जाम लगाया। उसके बाद दोस्तों एक लॉयर ने पूरी एक फेसबुक पोस्ट लिखी और उसमें बोला था कि इस एम्प्लॉय ने, जो ये जूनियर असिस्टेंट थी, इसने मुझे भी कॉन्टैक्ट किया था कि रंजन गोगोई को फ्रेम करते हैं, ठीक है, और आपको 50 लाख रुपए मिल जाएंगे, इस तरीके के आरोप लगाते हैं। तो एक तरीके से दोस्तों यहां तो दाल में कुछ काला था, और जस्टिस रंजन गोगोई का इतना बेहतरीन करियर रहा है दोस्तों, आपने देखा और आप उनके उनके बारे में पढ़िएगा कि क्या जबरदस्त उनका इतिहास रहा है। बहुत ही एक बायस्ड जज रहे हैं, हमेशा से अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। तो यहां पे जस्टिस रंजन गोगोई को क्लीन चिट मिली। उसके बाद दोस्तों हम ये देखते हैं कि पिछले साल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, आपको पता ही है, 4 जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, ठीक है, उसमें से एक थे जस्टिस रंजन गोगोई, और ऐसा पहली बार हुआ था। और यहां पे सीधा उठाया था कि सुप्रीम कोर्ट भैया अब तो डेमोक्रेसी के लिए जुडिशरी भी दिक्कत में आ गई है, क्या करें। तो यहां पे जस्टिस रंजन गोगोई ने बोला था, उनके 2 मेजर कंसर्न्स थे, एक तो जिस तरीके से केसेस जो है वो बांटे जाते हैं, ठीक है ना, आपको पता ही है कि जो केसेस है कौन से जजेस को देने हैं, इसका एक पूरा मैकेनिज्म होता है, ठीक है। अब यहां पे कौन सा केस किस जज को देना है, इस पे बहुत ज्यादा सवाल खड़े किए थे कि दीपक मिश्रा का जो काम करने का तरीका है वो बिल्कुल एक डिक्टेटर वाला है, डिक्टेटरशिप वाला है, एक ऑटोक्रेटिक टाइप का है।
तो इसीलिए भैया बहुत लोगों ने तो दीपक मिश्रा को इम्पीच करने की कोशिश भी की, ऐसा पहली बार हुआ था, इम्पीच होते होते रह गए, ठीक है। तो ये चीज था। उसके बाद दोस्तों अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस पे भी सवाल उठाए थे कि ठीक है कि जो एक पूरा प्रोसीजर होता है कैसे जज को अपॉइंट करना है उसमें भी दिक्कत है। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और इसमें काफी कुछ बोला था, काफी सवाल उठाए गए थे जिसमें जस्टिस रंजन गोगोई भी शामिल थे। और अगले ही साल जस्टिस रंजन गोगोई को, मतलब उसी साल जस्टिस रंजन गोगोई को कुछ ही महीने बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चुन लिया जाता है। तो ये इनकी पूरी जर्नी थी। अब हम कुछ पेंडिंग केसेस पे बात कर लेते हैं दोस्तों। भारत में दोस्तों जो केसेस हैं, 3.5 करोड़ पेंडिंग केसेस हैं। बाप रे बाप, 3.5 करोड़। बहुत सारे केसेस तो ऐसे हैं 10-10, 15-15 साल से पेंडिंग है, उनकी तो अभी तक सुनवाई भी नहीं हुई है। आप समझ सकते हैं बड़ी दिक्कत है। हाई कोर्ट में 43 लाख, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट में 58,000 केसेस जो है वो पेंडिंग है। तो इतनी बुरी हालात है। अब देखते हैं दोस्तों, जुडिशियल रिफॉर्म्स की सख्त जरूरत है। बहुत सारी, जैसा कि मैंने बताया कि जजेस की पोस्ट भी पेंडिंग है, जल्द से जल्द निवारण हो। जितना ज्यादा स्टाफ होगा सुप्रीम कोर्ट में, जितना जल्दी जजेस का अपॉइंटमेंट होगा उतना अच्छा होगा। जजेस का कार्यकाल बढ़ाया जाएगा, जजेस की संख्या बढ़ाई जाएगी तो केसेस जल्दी सुलझेंगे। ये तो बैकलॉगिंग है, ठीक है ना, ये तो क्लॉग एक तरीके से जाम हो गया पूरा का पूरा सिस्टम ही। कैसे इतनी जल्दी, मतलब 3.5 करोड़ केसेस को निपटाना कितना मुश्किल होगा। तो इसीलिए जल्द से जल्द कुछ किया जाए भैया, हम तो यही चाहेंगे। मैंने ये आंकड़ा आपको इसलिए दे रहा हूं कि देख लीजिए दोस्तों, ये कंडीशन है और उसके बावजूद जो जजेस हैं, ठीक है, लोअर कोर्ट के, हाई कोर्ट के, दिन रात काम करते रहते हैं और इन केसेस की सुनवाई होती रहती है। तो कोशिश करेंगे जो जस्टिस रंजन गोगोई चाहते थे, जल्दी से इन सबका निवारण हो। तो ये लेक्चर था दोस्तों जस्टिस रंजन गोगोई पे। आई होप आपको पसंद आया होगा। आप अगले जो चीफ जस्टिस होंगे वो जस्टिस बोबडे होंगे, अगर आप चाहेंगे तो मैं उनकी भी बायोग्राफी लेके आऊंगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।